पापा। हाँ बेटा, सारा राम ज्यादा ही घटता से जानते हैं। बेटा जब अपना ही कुत्ता जब काटने लगे, समझो हड्डी कोई और डाला। कहीं पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे प्रधान जी, फायदा ही फायदा है। डर गए ना सभी लोग प्रधान जी से। बताओ आप लोगों की जमीन कैसे मिलेगी? ये मेरे दादाजी का गांव, मेरा नहीं गांव है। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं सब कुछ करूंगा। उनको पूरा अलीगढ़ गांव ही चाहिए। अरे वो जो हमारे गांव का प्रधान है ना, हाँ? वो राम को अपने काल कोठरी में बंद किया है। वो एक ऐसी लड़की जो साली भाव ही नहीं देती हमको। भाव ही नहीं देती, मतलब क्या करती है? अरे पूछिए नहीं, सोचते लाइव प्रपोज करे ऐसे ऐसे। अरे तो वही तो दीदी, मेरा पीछा करते करते तुम मेरे गाँव तक आ गए। वही देखिए तो, ये तुम्हारा गाँव है। साला राम तो ज्यादा ही हद कर रहा है। अरे तो देवरानी बना के लाइए ना यहाँ पे गांव में। मैं सचमुच राधिका तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राधिका मेरा पर्स तुम लियो क्या? मैं नहीं लिया हूँ, मैं नहीं लिया हूँ। तो मेरा पर्स क्या हुआ? मेरी बहन, राम नाम का एक लड़का है। क्या हुआ भैया? साले ने मेरा जीना दुश्वार किया है। उसे तुम्हें प्रेम जाल में फंसाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम गांव वालों से भी बहुत प्यार करते हो कि जितना मुझसे करते हो। साला हीरो बनने चला, ले चले, छोड़ने के लिए थोड़ी आए हो। तो तब क्या होगा? और वो बोल रहा था ना कि जब तक गांव का कागजात उसके पास नहीं जाएगा तब तक उनको नहीं छोड़ेगा और मार डालेगा। तब गांव का कागज इकट्ठा करना होगा। हाँ भैया जल्दी से, हाँ जल्दी करो, जल्दी से, जल्दी से, बहुत जल्दी, चलिए पूरे सबका गांव का कागज इकट्ठा करवाइए। लेकिन जानते हो राम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। सचमुच? हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अच्छा, तुमको यकीन नहीं हो रहा है? अंकल जी अवालीगढ़ जाना। हाँ हाँ, इन्हीं ने तुमको बचाया है। भैया ये तो हमारा फर्ज है। राम भैया क्यों रुक गए? लड़ो, लड़ो आपस में, लड़ो, मार लो एक दूसरे को, खत्म कर दो एक दूसरे को। मेरे अवाली गढ़ के बवाली लोगों, ये प्रधान है, इस गांव के मुखिया है, इनकी भी कोई गलती इसमें नहीं है। साला इतिहास साक्षी है, आज तक जितने भी प्रधान हुए हैं सब अपने आप को प्रधान नहीं, गांव का गुड्डा समझते हैं, प्रेम समझते हैं। टिप बरसा पानी। तुम लोग जो ये तूफान ला रहे हो ना, मैं इसका सामना करूंगा और तुम सबको बदल दूंगा।